यू नो नागेश कुकुनूर की जो फिल्में होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर टच होता है उनका, एक फिल्म मेकर की पहचान होती है. मैंने जब उनकी फिल्में देखी थी पहले, इकबाल, तीन दीवारें, और मैंने उनके साथ एक फिल्म की जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, तो मैं ये फिल्म देखकर ये कह सकता हूँ कि ये उसमें वो नागेश कुकुनूर टच है. यू नो जिस तरीके से वो फिल्म को पिक्चराइज करते हैं, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ और मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो मैं एक एक सीन देखकर ये समझ सकता हूँ कि इस सीन में उन्होंने क्या सोचा होगा या क्या एक्टर्स को ब्रीफ दिया होगा. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, विजुअली बहुत खूबसूरत है, एंड परफॉर्मेंसेस और जो कहानी है, आई थिंक वो इट टचेस योर हार्ट, स्पेशली द टू एक्टर्स, जो भाई बहन हैं, जो बच्चे दोनों एक्ट कर रहे हैं, दे बोथ आर ब्रिलियंट. इतनी इनोसेंटली और इतने बिलीवेबल एक्टिंग है उन दोनों की, और कहानी बहुत स्मूथली चलती है. आई थिंक आप कहीं ना कहीं फिल्म के पहले फ्रेम से ही जुड़ जाते हैं इस फिल्म से. सो आई रियली विश नागेश बेस्ट विशेज फॉर द रिलीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म, एंड आई एम श्योर धनक इज़ गोना डू रियली वेल. थैंक यू. अरे अभी तो फिलहाल इंटरवल है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत बहुत स्वीट फिल्म है, एंड रियली नाइस परफॉर्मेंसेज, द चिल्ड्रन हैव एक्टेड रियली वेल. हाँ बहुत अच्छा काम लगा उनका, मतलब मंझे हुए कलाकार लग रहे हैं, और एक लड़का तो जो किरदार है उसका अंधे का, आई मीन ही इज ब्लाइंड इन द फिल्म, बट ही इज डन इट सो कन्विंसिंगली. बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत हार्ट वार्मिंग पिक्चर है, पॉजिटिव पिक्चर है. ऑलराइट, थैंक यू. शुक्रिया, और क्या कह सकती हूँ. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत मतलब अभी तक जो स्क्रीनिंग्स हुई हैं, फ्रेंड्स और फैमिली की हुई हैं, तो थोड़ी सोल्ड ऑडियंसेस भी है, लेकिन जो उनके साथ दो दोस्त आ रहे हैं जो हमें ज़्यादा पहचानते भी नहीं हैं, उन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. हमारे बच्चों की एक्टिंग पसंद आ रही है, जैसे स्टोरी है वो पसंद आ रही है, तो बस बहुत खुश हैं हम फिलहाल. थैंक यू.